वेलकम इन एजुकेशन हाई। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सफ़ेद पानी किसकी कमी से होता है। हमारी बॉडी जो फीमेल बॉडी होती है उनको वाइट डिस्चार्ज आता है। बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनको पता नहीं होता सफ़ेद पानी किसकी कमी से आता है, मतलब किसकी कमी से होता है और कब निकलता है, क्यों निकलता है। सबसे पहले यहाँ पर यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ल्यूकोरिया के कारण पीरियड, ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है सफ़ेद पानी जो है वो ल्यूकोरिया के कारण होता है। इसके अलावा यह वेजाइनल हाइजीन की अस्वच्छता, हीमोग्लोबिन की कमी और पोषण की कमी से भी होता है। यदि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पोषण की कमी हो गई है, कमी हो गई है तभी भी होता है, और जब ये होने लगता है तभी भी बहुत ज़्यादा पोषण की कमी, बॉडी में वीकनेस हो जाती है बहुत ज़्यादा, आपकी बोन्स भी कमज़ोर हो जाती हैं। और वाइट डिस्चार्ज थोड़ा बहुत होता है तो वो अच्छा है, क्योंकि वो वेजाइना क्लीन करता है, योनि को स्वच्छ रखता है, जितनी भी गंदगी या बैक्टीरिया वहाँ पर बैठते हैं वो उससे बाहर बह जाते हैं, उसके साथ में निकल आते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपकी बॉडी में वीकनेस, बहुत कमज़ोरी, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और आप बहुत ज़्यादा वीकनेस के शिकार हो जाएंगे। तो अगर और इसमें जो योनि में ट्रिकोमोन्स वैगिनेल्स नामक बैक्टीरिया की उपस्थिति के ये उसकी वजह से होता है, इस नाम का बैक्टीरिया आपकी योनि में होता है तभी आपको ये ल्यूकोरिया मतलब कि वाइट डिस्चार्ज होता है। यदि आपको ये वीडियो समझ में आई है तो लाइक कमेंट शेयर करें।